राधे राधे, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नरक चौदस और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नरक चौदस के दिन कौन सी पूजा की जाती है और यम का दीपक किस प्रकार जलाया जाता है? बहुत सारे घरों में जो है ना यम का दीपक जो है ना केवल चौदस यानी नरक चौदस के दिन छोटी दिवाली के दिन जो है ना जलाया जाता है। जब आप गांव में जाओगे ना, आपको जगह जगह जो है ना यम का दीपक दिखाई दे जाएगा रात के समय। तो यम का दीपक भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में किस प्रकार जो है ना जलाया जाता है छोटी दिवाली यानी नरक चौदस के दिन। और हाँ, पितरों के नाम के जलाए जाते हैं 14 दीपक। जो पितृ आपके नरक योनि में पड़े हैं तो उनकी मोक्ष के लिए 14 दीपक जलाए जाते हैं। किस प्रकार जलाने हैं ये पूजा जो है ना आपको शाम के समय करनी है, जब आपके यहाँ पर सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा होने लगे, उस समय आपको ये पूजा करनी है। और हाँ, दक्षिण दिशा में इस तरह से आप हल्दी से या गाय के गोबर से लीप लेना। अगर आपके घर के कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनसे ही आप इस पूजा को करवाएं। अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से लीप लिया है। अगर गाय का गोबर है तो बहुत अच्छा है, तो फिर गाय के गोबर से ही आप लीपना और थोड़ा सा उसमें गेरुआ यानी लाल मिट्टी डालकर, इसके बाद इसके ऊपर पूरा जाता है चौक। अगर रंगोली बनाना आती है तो आप रंगोली भी जो है ना यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने हैं और इस चौक के ऊपर जो है ना चावल रख देने हैं। आप कभी भी कोई भी पूजा कीजिए लेकिन चौक को कभी भी खाली मत छोड़ना। हमेशा अन्न के दानों से जो है ना चौक भरा जाता है, तो थोड़े से भले चार दाने डालिए लेकिन डालिए ज़रूर। इसके बाद जो है ना जो हम पितरों के नाम के दीपक जलाते हैं वो इस चौक पर जो है ना रखते हैं। तो मैंने 14 दीपक जो है ना यहाँ पर जलाने वाली हूँ। तो 14 जो है ना मैंने इस तरह से आसन दे दिए हैं। पितरों के नाम के जो दीपक होते हैं, आप चाहें तो आटे के जला सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी के कोरे दीपक जला सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ बीच में यम का दीपक। एक प्लेट मैंने चावल लिए हैं, आप यहाँ पर गेहूँ भी ले सकते हैं। गेहूँ चावल में से कोई भी अन्न आप ले सकते हैं। एक प्लेट चावल लिए हैं, आटे का मैंने यहाँ पर दीपक बनाया है। यम का जो दीपक होता है आटे का बनता है या फिर मिट्टी का बनता है। तो आज जो है ना मैं आपको आटे का दीपक दिखा रही हूँ। यम के दीपक में लगती है चार मुख वाली बाती। तो यम का दीपक काफ़ी सारे लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो जो है ना नरक चौदस के ही दिन जलता है। हमारे आसपास के जितने गांव हैं सब जगह जो है ना चौदस यानी नरक चौदस के दिन यम का दीपक जो है ना सभी लोग जलाते हैं। तो इस ये तेल जो है ना मैं कौन सा यूज़ करी उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तिली के तेल से जो है ना जलाया जाता है। जिनके पास तिली का तेल नहीं है वो ये पर जो है ना सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि तिली के तेल का ही आप प्रयोग करें। तो इसमें जो है ना घी नहीं भरा जाता, इसमें केवल तेल ही जो है ना भरा जाता है। तो इस तरह से इसे तेल से जो एकदम फिल कर देना, मतलब पूरा भर देना, और इसमें डाली जाती है एक कौड़ी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आसपास जो है ना आपको पितरों के नाम के 14 दीपक रखने हैं। पितरों के नाम के भी जो है ना आप चाहें तो घी के दीपक रख सकते हैं, आप चाहें तो तिली के तेल के रख सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल पितरों के दीपक में आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इस तरह से चारों तरफ जो है ना मैंने पितरों के नाम के 14 दीपक रख दिए हैं। सबसे पहले आपको यम का दीपक प्रज्वलित करना है। तो आपके घर के जो बड़े हैं ना वही इस दीपक को जलाते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह की परंपरा है। अगर आपके यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है तो आप भी जला सकते हैं। और हाँ, माचिस से जलाओगे तो खूब सारी तिलियाँ जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जो है ना इस तरह की अगरबत्ती ले लेती हूँ। इसमें बांस लगा हुआ नहीं है क्योंकि बांस वाली अगरबत्ती तो हमें नहीं जलानी चाहिए। तो इससे जो है ना सारे दीपक जल्दी से जल जाते हैं और दीपक जलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और हाँ, कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक आप कभी मत जलाना। कौड़ी को जो है ना बीच में डाला जाता है यम दीपक में, जैसे कि देखिए मैंने आपको डालकर दिखा दिया। सारे दीपक आपको जलाना है। परिवार के जितने सदस्य हैं इस दीपक को जलाने में मदद करते हैं। सभी लोग यहाँ बैठते हैं क्योंकि ये पितरों के नाम की पूजा होती है। और फिर जो है ना सभी लोग इन दीपकों की जो है ना परिक्रमा करते हैं। एक एक परिक्रमा जो है ना आपको करनी होती है। और एक एक परिक्रमा करते हुए एक एक कलदार, मतलब एक एक रुपये का जो कॉइन होता है, वो सभी को जो है ना यहाँ पर चढ़ाना है। अब एक रुपये का कॉइन आजकल जो है ना हमारे शहर में तो नहीं चलता है, तो दो रुपये का, पाँच रुपये का कॉइन, जो भी देखिए आपके पास उपलब्ध है वो कॉइन आप यहाँ पर चढ़ा
बैठाइएगा और एक एक परिक्रमा जो है ना सभी सदस्यों को करनी होती है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो। घर की सभी औरतों को यानी परिवार की हर सदस्यों को इन दीपकों की जो है ना परिक्रमा करनी होती है और एक एक रुपए का कॉइन चढ़ाना होता है। उसके बाद जो है ना इस तरह से जो है ना दीपकों का पूजन भी किया जाता है, तो सभी लोग जो है ना इन दीपकों का पूजन करें, क्योंकि पितरों के नाम के दीपक होते हैं, तो सभी पर आपको तिलक करना है। अगर फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात के समय फूल इतने ज़रूरी नहीं होते। तो स्किल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो सभी पर जो है ना इस तरह से फूल चढ़ा दें और यम का दीपक का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने घर में यम का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में किसी की भी जो है ना अकाल मृत्यु एक साल तक नहीं होती है, तो एक साल तक जो है ना अकाल मृत्यु से बचाकर आपको रखता है ये यम का दीपक। तो इस तरह से जो है ना आपको चारों तरफ कॉइन चढ़ाने हैं। पूजा के बाद इन कॉइन यानी मतलब इन सिक्कों का आपको क्या करना है, तो इन सिक्कों को जो है ना दूसरे दिन जो है ना आप जो मांगने वाले भिखारी आते हैं उनको आप दे दीजिए, और चावल भी जो है ना मांगने वाले भिखारियों को ही आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना यम का दीपक जलाया जाता है। और परिक्रमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। यम का दीपक रखा कहाँ जाता है, यम का दीपक आप चाहें तो अपने घर की दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। आपके यहाँ पर अगर कोई मेन गेट नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, मतलब आप फ्लैट में रहते हैं तो कहाँ रखें, तो इसको जो है ना आप अपने घर के दक्षिण दिशा में जो है ना रख सकते हैं यम के नाम से। आप छोटे शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो इसे जो है ना भैंस का जो पड़ा होता है ना उसके ऊपर रखा जाता है। तो भैंस में भी जो है ना मैन वोमैन की जो प्रजाति होती है वो होती है, हर मतलब जानवर के अंदर मैन वोमैन का मतलब प्रजाति रहती है, तो उसको पड़ा बोला जाता है। इसके ऊपर जो है ना यस यम के दीपक को जो है ना इस तरह से रखा जाता है। जो लोग गाँव के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे। तो इस पड़े के ऊपर ही जो है ना रखा जाता है, क्योंकि यम का जो वाहन है वो यही है, पड़ा ही होता है। अब जिन लोगों के घर में नहीं है पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको गांव में ही देखने के लिए मिलेंगी, तो जो लोग शहर में रहते हैं वो अपने घर के मेन गेट के दरवाजे पर जो है ना यम का दीपक रखें, रात के समय आपको रखना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से।